तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यामा FZ V3 BS6 सिंगल चैनल ABS। और आज आप लोग जानेंगे इस वीडियो में इस गाड़ी का प्राइस, स्पेसिफिकेशन और इस गाड़ी का जो फाइनेंस है इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो इनमिशन टाइप मिलेगा BS6 और इस गाड़ी का जो इंजन मिलेगा 149 सीसी, माइलेज मिलेगा 40 किलोमीटर पर लीटर और इस गाड़ी का जो पावर मिलेगा 12.4 PS एट द रेट 7250 RPM और इस गाड़ी का जो गियर आपको मिलेगा 5 स्पीड और फ्यूल टाइप मिलेगा पेट्रोल और इस गाड़ी का जो ABS आपको सिंगल चैनल देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो हेडलैम्प और व्हील टाइप आपको मिलेगा येलो और टायर टाइप आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस गाड़ी का फुल स्पेसिफिकेशन जानना है तो आप गूगल में सर्च करके इस गाड़ी का फुल स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस होगी 1,01,700 रुपीज़ इन आसाम गुवाहाटी। मैंने इसकी प्राइस आसाम गुवाहाटी से लिया है और इस गाड़ी का जो RTO चार्जेस होगी 7,000 और इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस पड़ेगी 6,672 रुपीज़। तो पूरा टैक्सेस जुड़ने का बाद इस गाड़ी का जो ऑन रूट प्राइस होगी 1,15,372 रुपीज़। अगर आपने इस गाड़ी को फाइनेंस पे निकलना है तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 40,000 और इस गाड़ी का जो लोन अमाउंट कराना पड़ेगा 75,372 रुपीज़। अगर आपने जिस कंपनी से गाड़ी को फाइनेंस करा रहा है उस कंपनी की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% होगा तो मैंने इस गाड़ी का टाइम लिया है 2 ईयर्स 24 मंथ्स के लिए। तो आपकी जो हर महीना का जो EMI निकल कर आएगी इस गाड़ी का 3,478 रुपीज़ पर मंथ आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इस गाड़ी को आसाम गुवाहाटी से लेना है तो यही प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई अदर सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट के आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।